प्रयागराज से बड़ी खबर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एसपी पर वार। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर किया जोरदार कटाक्ष। एसपी के शासनकाल में चरम पर था अपराध, प्रदेश को अराजकता और गुंडई का गढ़ बना दिया गया था। एसपी सरकार में कानून व्यवस्था चौपट और माफिया सक्रिय थी। तो बड़ी खबर आपको बता रही है प्रयागराज से, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एसपी पर वार। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर जोरदार कटाक्ष किया है और उन्होंने कहा कि एसपी के शासनकाल में चरम पर था अपराध, प्रदेश को अराजकता और गुंडई का गढ़ बना दिया गया था। एसपी सरकार में कानून व्यवस्था चौपट और माफिया सक्रिय थी। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी के इस समय जो बयान आते रहते हैं, उन बयान का एक ही जवाब है। श्री अखिलेश यादव जी यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जब उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाले थे, सरकार चलाते थे, तब चारों तरफ अराजकता थी, अत्याचार था, गुंडागर्दी थी, दंगे थे, जमीनों पर कब्जे थे, खनन माफिया से लेकर, शराब माफिया से लेकर, नकल माफिया से लेकर, भर्ती माफिया तक सब सक्रिय थे। और आज जब उनके द्वारा कोई भी बात कही जाती है तो मैं यही कहता हूं कि जैसे सौ सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली। और वाराणसी से बड़ी खबर, केंद्रीय